IVTV देखता है इंडिया। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी होते ही पंचायतों में सरगर्मी बढ़ गई है। अधिसूचना जारी होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के साथ कई पाबंदियां लगा दी है। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आचार संहिता के दौरान थोड़ी भी लापरवाही आपके सपने को तबाह कर सकती है। चुनाव के नज़दीक आने के कारण लोगों को लुभाने के लिए अगर जल्दी में कोई नई योजना का काम किया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। पहले से चल रहे योजनाओं के काम को पूरा करने में कोई पाबंदी नहीं है। पंचायतों के अंदर आज के बाद नई घोषणाएं भी नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह या झंडे का इस्तेमाल किया तो उम्मीदवारी चली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती के साथ निर्देश जारी किया है कि किसी भी राजनीतिक दल के चिन्ह का सहारा नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी सभा और प्रचार किया तो कार्रवाई तय है। वहीं पंचायत चुनाव में पैसे का नाजायज इस्तेमाल न हो इसको लेकर निर्वाचन आयोग सख्त है। पंचायत चुनाव में सभी 6 पदों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को इसी सीमा के भीतर खर्च करना होगा। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1,00,000 रुपये की राशि खर्च करने की छूट है। वहीं मुखिया और सरपंच के उम्मीदवारों को 40,000 रुपये, पंचायत समिति के उम्मीदवार को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के उम्मीदवारों को 20,000 रुपये खर्च करने की छूट दी गई है। तय सीमा से ज़्यादा खर्च साबित हो जाने पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लगाने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ख्याल रखना होगा वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिए पहले से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। जुलूस या प्रचार के लिए निकलने से पहले जिस रास्ते या मोहल्ले से होकर गुजरेगा वहां लागू नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। यातायात के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इसलिए बूथ तक जाने के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV।